ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी जुड़ चुके हैं। गांधी जी, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में पूजन अर्चन कर अपना पदभार ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ शासन के जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है दयालदास बघेल, उन्होंने आज पूजा अर्चना की और मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है जी। और श्री बघेल ने कार्यभार करने के पश्चात में यहाँ पे विभागीय अधिकारियों से भी कामकाज के संबंध में आवश्यक जानकारी ली है। और जो विभागीय सचिव थे टोपेश्वर वर्मा जी, सहित जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। और देखिए, इनके पास काफी अहम विभाग है जी। जो अगर इनके विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति को देखा जाए तो अभी हाल ही में जिस तरह से 300 मेट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा गया, अयोध्या यहाँ के चावल से महंगेगा, तो जब पहला सार्वजनिक मंच से इनका उद्बोधन था दयालदास बघेल का, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे विभाग जो मिला है खाद्य नागरिक आपूर्ति का विभाग मिला। और पहले ही दिन जो सार्वजनिक मंच से मैं किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूँ, जो राइस मिलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम था, उसमें एक सबसे बड़ा जो काम हुआ कि इसी विभाग के तहत आने वाले जो चावल है और जो धान खरीदी होती है उसमें जो छत्तीसगढ़ में अहम जो कड़ी है उसको देखते हुए मुझे काफी अहम विभाग मिला है और यहाँ से चावल जा रहा है, तो ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है। तो आज उन्होंने विधिवत तरीके से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कुछ देर में यहाँ पे आज साय कैबिनेट की बैठक भी है, तो काफी महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में दयालदास बघेल के लिए ये समय भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी आप देखिए कि धान खरीदी चल रही है पूरे राज्य में, धान खरीदी को लेकर बहुत बड़ा फैसला भी अभी राज्य सरकार ने किया है। 2100 रुपए जो धान समर्थन मूल्य पे धान खरीदी है, तो वो काफी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं इसी विभाग से संबंधित है। ये विभाग काफी महत्वपूर्ण है और इस विभाग